एक प्रश्न है इंट्यूशन से रिलेटेड। ये हमने कई बार क्लासेस में भी आपसे सुना है कि इंट्यूशन कैसे गाइड करती है हमें, बट इनका पूछना है कि हम कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में ये कहते हैं कि मेरा मन नहीं मानता ये काम करने को, और वो काम करते भी नहीं है जिससे हमें खुशी भी होती है, तो क्या यही इंट्यूशन है? यदि हाँ, तो इस इंट्यूशन के थ्रू हर बार सिचुएशन में क्लैरिटी आती रहे, इसके लिए क्या करें? देखो, इंट्यूशन इज एट ए हायर लेवल। कई बार क्या है कि हमारा मन कई काम करना नहीं चाहता, या हमारी रुचि नहीं है, या हमारे में आलस का संस्कार है, और हम उसको रैशनलाइज करने की, जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। ये इंट्यूशन नहीं होती है, इसको हम इंट्यूशन नहीं कहेंगे। जैसे छोटा बच्चा कभी भी स्कूल जाना नहीं चाहता, उसका मन कभी नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे जब बड़ा होता जाता है तो लोग जो है ना, कॉलेज में छुट्टियां हो जाती तो भी कहते यार क्यों छुट्टियां हो गई, तो रोज आते थे तो अच्छा था। तो ये जो इंट्यूशन है, ये मन के लोअर धरातल पे, अगर इफ यू आर गाइडेड बाय, जिनको वॉइसिस कहते हैं, काम करो लो ओंकार, आलस द्वेष भय, उसके कारण अगर हमारे वो मन में आ रहा है और हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे, दिस इज ड्यू टू आवर माइंड। मन जो है ना, बड़ा चालाक, बहुत चतुराई से किसी चीज को पेश करेगा। और ये भी सत्य है कि रावण ने भी सीता के समक्ष जो है राम का भी रूप धर लिया था, फिर भी वो परख गई थी, परखने की शक्ति। तो इंट्यूशन जो है, इंट्यूशन जब हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है तो कई बार वो प्री कॉग्निशन के काम आती है। प्री कॉग्निशन मतलब पूर्व ज्ञान, पूर्वाभास, आपको पूर्वाभास हो जाता है। जैसे मैंने यहां से आपको मिलने के लिए सोचा, चलो गुड़गांव चलते हैं, आपको मिल के आते हैं, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकलने लगा, मेरे अंदर गट फीलिंग हुई या इंट्यूशन हुई, नहीं जाना। बहुत जोर से अंदर से आवाज आई, नहीं जाना, और मैं नहीं गया। बाद में पता लगा जिस ट्रेन में हमें जाना था उसका एक्सीडेंट हो गया। तो इस तरह की बातें जो है हमारे जीवन में कई बार आती हैं, और हमने कई बार ये अनुभव किया है कि अंदर जो आपको इंट्यूशन है, वो जो मेडिटेटिव लोग होते हैं, ये मेडिटेटिव प्रिडिक्शन की तरह काम करती है। तो जैसे मान लो कोई एक विद्यार्थी ने पेपर देने हैं, तो वो जब पढ़ रहा है तो पढ़ते पढ़ते एक क्वेश्चन पे आया वो, तो उसको अंदर से कुछ होने लगा, थ्रिल होने लगी, एक एनर्जी बॉडी में आ गई, तो उसको भीतर से आता है ये क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर। और नेक्स्ट डे जब जाके वो देखता है पेपर में वही क्वेश्चन आया हुआ, वो इंट्यूटिव है। इंट्यूटिव फैकल्टी इज वर्किंग। इंट्यूटिव फैकल्टी हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे, जितना हम सोल के कोर के करीब जाते हैं उतना काम करती है। और जितनी अगर इंट्यूटिव फैकल्टी है तो वो कभी हमें एक्शन से रोकेगी नहीं। अगर हम नॉर्मल कोर्स में जी रहे हैं तो हम स्पिरिटेड एक्शंस करेंगे, अगर हम हायर फिगर उसमें हैं, कॉन्शियसनेस में, और हमारा गाइडेंस वो इंट्यूटिव फैकल्टी करती रहेगी। लेकिन अगर हम लोअर लेवल पे हैं तो कई बार वो हम उसकी आवाज को पकड़ भी नहीं पाते। कई बार आता भी है मान लो, तो हम सुन के अनसुना कर देते हैं, अगर लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो जो इंट्यूटिव फैकल्टी है, इंट्यूशन जो है, वो ऊंची बात है। और जो हम मन है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, दिल तो किसी का ही नहीं मानता, उसको कह दो 1 घंटा मेडिटेशन करना है तो वो कहेगा नहीं करना, तो ये कोई इंट्यूशन थोड़ी है। क्योंकि मन का स्वभाव है मौज लेना, सुख में रहना चाहता है, भोगना चाहता है, कुछ जो है खास करना नहीं चाहता, पड़ा रहे कंफर्ट जोन में, ये मन का स्वभाव है। लेकिन अगर आपको कुछ हायर पाना है, हायर प्रोग्रेस
कॉन्शियसनेस में जाना है, हायर लाइफ में जाना है, हायर लाइफ स्टाइल में जाना है, या कुछ डिविनिटी अपने भीतर लानी है, तो यू विल हैव टू एग्जर्ट। बिना मेहनत के, बिना एफर्ट्स के, दैट आल्सो इन द राइट डायरेक्शन, केवल एफर्ट भी काम नहीं करता, एफर्ट शुड बी इन राइट डायरेक्शन, तब हम अपनी मंजिल को पाते हैं और हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। वहां पे जब हम हायर लेवल पे हैं, वहां पर जो हमें अंदर से आवाज आती है, सतोगुण जब हमारा बढ़ जाता है, सतोगुण बढ़ना मतलब सत्यता के हम जितना करीब चले जाते हैं उतना सतोगुण बढ़ जाता है, तो आत्मा जितना सतोगुण के करीब होगी उतनी उसकी इंट्यूटिव फैकल्टी काम करेगी, वो तमस और रजस की तरफ नहीं हमें ले जाएगी। तमस मैंने आलस, रजोगुण को मैंने भोग, काम क्रोध सारे किसमें है, तब रजस में। तो सतो जो है ज्ञान की तरफ ले जाएगा, विवेक की तरफ ले जाएगा, विजडम की तरफ। तो जब सतो बढ़ेगा तभी वो इंट्यूटिव फैकल्टी काम करेगी। ओम शांति। थैंक यू सो मच सर, वंडरफुल।